आवे तुहत शूरम न सोचिएत कथंचन अशोच्यो ही हत शूरम स्वर्ग लोके महीयते। शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा है लैंसडाउन और यहीं से शुरुआत होती है मध्य हिमालय की। लैंसडाउन सन 1921 से गढ़वाल राइफल्स का घर रहा है। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना सन 1887 में हुई थी। गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर न केवल गढ़वाल क्षेत्र के दिल में बल्कि यहाँ के सैनिकों के दिल में भी बसता है। गढ़वाली सैनिक गढ़वाल के 53 क्षेत्रों से आते हैं। ये सैनिक हिम्मत और जोश से भरे होते हैं क्योंकि इन्हें हिमालय के कठिन वातावरण में जीना खूब आता है। गढ़वाली लोग हमेशा से ही वीरता और साहस के कारण जाने जाते रहे हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण अपने 125 सालों के गौरवपूर्ण इतिहास में सारी दुनिया में कई युद्ध जीतकर अपनी गढ़वाली रेजिमेंट को गौरवान्वित किया है। आज गढ़वाली सैनिक अपने कंधों पर रॉयल रस्सी गर्व से धारण करते हैं जो इन्हें इनके साहस और ईमानदारी के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई थी। गढ़वाली रेजिमेंटल सेंटर गढ़वाली युवाओं को कठिन प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें एक शूरवीर सैनिक बनाता है। जैसा कि कमांडेंट ने कहा, इन युवाओं को प्रशिक्षण में सिर्फ एक अच्छा सैनिक ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाया जाता है ताकि ये युद्ध क्षेत्र के अलावा बाकी दूसरी जिम्मेदारियां भी ठीक प्रकार से संभाल सकें। ये एक ऐसा सेंटर है जहां पर सैनिकों को आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाना सिखाया जाता है ताकि वो भाईचारे की सच्ची मिसाल बन सकें। जैसे आपको मालूम है, ये एक सर्विसमैन जो है वो तकरीबन 40-42 साल में रिटायरमेंट होके वापस गढ़वाल में चले जाते हैं और एक दूसरा नौकरी ढूंढने में उनको बहुत परेशानी आते हैं। वैसे नौकरी मिलते नहीं है खासकर गढ़वाल में। इसके अलावा परेशानियां आते हैं उनका पे एंड अलाउंसेस पूरा मिलने के लिए भी। बेसिकली क्योंकि गढ़वाल में कनेक्टिविटी बहुत खराब है, आर्मी यूनिट्स बहुत कम है और हमने सोचा कि ऐसे रेजिमेंट हमारे एक सर्विसमैन को इनके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो 2012 फरवरी में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट सतत मिलाप, जिसका मतलब है हमेशा हमारे एक सर्विसमैन के साथ मिलाप में रहना। गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर सैनिकों के भाईचारे का बहुत सम्मान करता है और इसीलिए इस संस्था ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सतत मिलाप। चाहे वो सर्विंग जवान हैं, चाहे वेटरन्स हैं, वीर नारीज हैं और उनके आश्रित हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए ताल्लुक रखते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे एक संस्था का रूप दे दिया गया है जिसमें कल ऑफ द रेजिमेंट खुद इसके पैटर्न है और जो YC रिकॉर्ड्स हैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट वो इसके चेयरमैन हैं और जो रेजिमेंटल लेवल पे एक संस्था है ये, उसका सतत मिलाप सेल वो मेरे अधीन यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस में स्थापित किया गया है। सतत मिलाप की यूनिट की टीम होती है जिसमें एक जेशो जो कि एक जिम्मेदार आदमी माना जाता है फौज में और एक क्लर्क मैंडेटरी उसका पार्ट होता है क्योंकि उसने सारा डॉक्यूमेंटेशन टूर के दौरान करना होता है और लोगों को मदद करनी होती है कि जो भी उनके ग्रेवेंसेस हैं उनको रजिस्टर करने में, और एक GD सोल्जर जवान जो है टीम में जाता है जो सतत मिलाप के भ्रमण को मैं टीम की मदद करता है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम पूरा गढ़वाल रीजन को 21 हिस्सों में बांट दें। 21 क्योंकि हमारे रेजिमेंट में 21 पलटने हैं और हर एक हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक पलटन को दिया गया है।
गढ़वाल रिकॉर्ड्स में उनकी ट्रेनिंग और कैप्सूल के दौरान एक निर्धारित तिथि को उसके बाद उन्हें यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाता है OIC रिकॉर्ड्स द्वारा। ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो टीम्स हैं इन्हें बड़ी बड़े कठिन और दुर्गम इलाकों में भी गुजरना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र है और कई नदी नालों को पार करके लोग कठिन क्षेत्रों में जाके हर परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं, और लेकिन ये एक मोटिवेटेड टीम होती है जिनका एम अल्टीमेट ये होता है कि हमें हर बुजुर्ग के साथ जाके मुलाकात करनी है और उनका हालचाल पूछना है। इस जज्बे के साथ ये टीमें जाती हैं और ये अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में करीबन 20 से 25 दिन का टाइम गुजारते हैं, और उसके बाद फिर इन टीम्स की वापसी अगेन रिकॉर्ड ऑफिस में होती है जहां पर इनकी डीब्रीफिंग और फीडबैक इनसे लिया जाता है। सतत मिलाप, जिसके कारण ये सैनिक अपने अनुभवी सीनियर्स के संपर्क में रहते हैं और मिलजुल कर अपनी परेशानियों को सुलझाते हैं। पिछले कई वर्षों से सैनिकों के सतत मिलाप से गढ़वाली सैनिकों के जीवन में बहुत सकारात्मक सुधार हुआ है, जिसके कारण भूतपूर्व सैनिकों के अंदर रेजिमेंट को लेकर आज भी अपनेपन का भाव है। ये तमाम जितना भी वहाँ से डेटा लाते हैं उसको हम यहाँ पर अपने डेटाबेस में जोड़ते हैं, और जितने भी ये ग्रीवेंसेज लेके आ रहे हैं उन्हें फिर कंसर्न एजेंसीज को हम प्रोग्रेस करते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं जब तक उनको फाइनली उनको हल ना किया जाए। ये सतत मिलाप जैसे ही प्रयासों का एक परिणाम है कि आज की डेट में हमारी गढ़वाल राइफल्स में सबसे कम कोर्ट केसेस हैं, सबसे कम लिटिगेशंस हैं। इस जरिए से हमारे एक सर्विस में बहुत फायदा हुआ है। पिछले 4-5 साल के अंदर लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है हरीएस के द्वारा, और यहाँ तक कि एक राइफलमैन की जो वाइफ है विडो है, हालांकि राइफलमैन का डेथ हुआ था 47-48 में, उनको उम्र जो है तकरीबन 90 साल के हैं, उनको 12 लाख से ऊपर से फायदा हुआ होगा। हमें बहुत खुशी होती है कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सतत मिलाप की टीम पिछले 4 साल से यहाँ पे आ रही है और हमारे बारे में एक सर्विस मैन के बारे में पूछती है और नए नए स्कीम जैसे पेंशन वेलफेयर्स उनके बारे में हमें जानकारी देती है। गढ़वाल राइफल सेंटर की जो सतत मिलाप टीम है ये कम से कम जो है पूरे साल में हर घर घर के जाकर किसी भी परिवार को जो वीर नारियां हैं उनके पेंशन की समस्या हो, पुरुष सैनिक की कोई भी समस्या हो, उनको जो है वो नोट करके और उसको ऐसी समाधान करके जो समाधान उनसे नहीं होता है वो जो है अपने कार्यालय में जाकर उसको अति शीघ्र ही जो है उनकी समस्याओं का निवारण करती है। And over the period of time that I've been here in Lansdowne, one has seen a gradual improvement in things that are happening in, as regards to the welfare of the ex-servicemen and the veer naris. And it has been fine-tuned to such an extent now that the JCOs and OAs that are sent out on these missions are having a house-to-house contact in all the villages that they traverse. These teams are doing a fantastic job. One is very proud to have been part of this regiment and to see that the regiment is taking so much interest in the welfare of veterans and veer naris. It's a great job. Well done. यहाँ तक कि हमारे ex-servicemen ने भी बहुत सारे चिट्ठियाँ लिखा है। जब भी हमारा ex-servicemen रैलियाँ होते हैं वहाँ पर उन लोगों से उनका जो प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वैसे भी पहले से सॉर्ट आउट किया जाता है। पिछले कई वर्षों से सैनिकों के सतत मिलाप से गढ़वाली सैनिकों के जीवन में बहुत सकारात्मक सुधार हुआ है, जिसके कारण भूतपूर्व सैनिकों के अंदर रेजिमेंट को लेकर आज भी अपनेपन का भाव है। ये प्रयास बहुत अधिक आगे बढ़े और आगे भी हम सब संपर्क में रहें, इसी प्रार्थना के साथ हम गढ़वाल रेजिमेंट को उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।